हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में बनाई है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये केक को काफ़ी कलरफुल और काफ़ी स्पंजी बना हुआ है। सो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ ओरियो बिस्किट, और यहाँ पे मैंने दो ओरियो बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं। और सारे बिस्किट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमें सारे बिस्किट्स की क्रीम को अलग कर लेना है। अब मैंने बिस्किट्स और क्रीम अलग अलग कर लिया है, और हम छोटे जार में मिक्सर के इसमें तोड़ के डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। अब ये पाउडर हमारा रेडी हो गया है, और उसमें ऐड करेंगे एक ग्लास दूध। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का ग्लास यूज किया हुआ है, और इस मीडियम साइज के ग्लास से हमें दो ग्लास दूध लगने वाला है। सो अब हमें दूसरा ग्लास के दूध को धीरे धीरे इस बैटर में डालना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दो चम्मच शक्कर की, या मैंने पीसी हुई शक्कर यूज़ की है। ये पूरे बैटर में हमें दो ग्लास दूध लगने वाला मीडियम साइज का। अब हमें एक पैन पे बटर पेपर यूज करना है और ऑयलिंग कर लेना है उसे अच्छी तरीके से। अब इस बैटर में हम डालेंगे दो चम्मच घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनो का पैकेट, जो कि मैंने विदाउट फ्लेवर वाला यूज किया है, और बचा हुआ दूध इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इस बैटर को हम बटर लगाए हुए बर्तन पे निकाल लेंगे। कढ़ाई रखी हुई है, और यहाँ मैंने 5 मिनट पहले इसे प्रीहीट करवा लिया था। और इसमें हम डालेंगे इस बर्तन को और इसे अच्छे तरीके से ढक लेंगे, और इसे हमें धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है। अब हम बची हुई क्रीम को एक बाउल में निकाल लेंगे, जो हमने बिस्किट से अलग की थी, और इसे चम्मच से फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें डालेंगे एक चम्मच पानी। अब हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए। और यहाँ पे मैं किसी भी मशीन का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं स्पून की हेल्प से ही पूरा केक बनाने वाली हूँ। रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं काफी फ्लफी भी है, और 15 से 20 मिनट भी हो गए हैं। अब हम केक को चेक करेंगे टूथपिक से, और आप देख सकते हैं कहीं भी स्टिक नहीं हुआ है। अब इसे अच्छी तरीके से हम ठंडा होने रख लेंगे। अब ये केक ठंडा हो गया है, और इसे हम चाकू की हेल्प से अलग कर लेंगे धीरे धीरे। अब हम इसे बर्तन पे निकाल लेंगे।
और आप देख सकते हैं काफी स्पंजी बना हुआ है। और आप दोनों साइड से देख सकते हैं इसे। अब हम अपनी रेडी क्रीम को इस पे अप्लाई करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि आपको इस क्रीम को धीरे धीरे और हल्के हाथों से स्प्रेड करना है पूरे केक पे। यहाँ मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास में कोई फ्लैट स्पून होगी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी हल्के हाथ से इसे अप्लाई करना है और धीरे धीरे। ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्रीम के लिए किसी भी व्हिप क्रीम का यूज नहीं किया है और कोई भी कोको पाउडर नहीं यूज किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने ओरियो से बची हुई क्रीम का ही इस्तेमाल किया है और ये काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट भी हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लेंगे और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैडबरी को किस लिया है और इसे मैं इस पे स्प्रिंकल करूंगी, आप चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैंने ये सारा चॉकलेट इस पे स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जेम्स को तोड़ लिया है और वो टूटे हुए जेम्स को मैं इस पे स्प्रेड कर दूंगी, आप चाहिए तो आप पूरी की पूरी जेम्स इसके ऊपर डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से डेकोरेट हो गया है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है और बहुत ही कलरफुल भी लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरे केक को बनने के लिए ना ही हमने व्हिप क्रीम यूज की है और ना ही हमने किसी कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही हमें कोई मशीन यूज करनी पड़ी है इसे बनाने के लिए। सो बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीके से बनने वाला केक है और लॉकडाउन चल रहा है, सभी पता है, सभी घर में है और बहुत कम सामान हमें अवेलेबल है, बट हमें बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तो आई होप आप इस आइडिया को जरूर ट्राई करेंगे और इस केक की रेसिपी को जरूर बनाएंगे और साथ ही अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली सारी क्रिएटिव वीडियोस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।